हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। राज्य सरकार का दावा है कि जिला स्तरीय जनसुनवाई में जनता की सुनवाई कर समस्याओं का समाधान किया जाता है। जनसुनवाई को लेकर प्रकरण निस्तारण के आंकड़ों का खेल राज्य सरकार पिछले 4 सालों से खेल रही है, जबकि हकीकत ये है कि लाखों रुपए जनसुनवाई में फूकने के बाद भी जनसुनवाई में आमजन की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बाड़मेर जिला मुख्यालय पर आयोजित होने वाली जनसुनवाई की हकीकत जाने तो जिला प्रशासन के अधिकारी महज जनसुनवाई के बहाने अपने अपने विभागों की खाना पूर्ति करने में लगे हुए हैं। जिला स्तरीय जनसुनवाई में एक ही परिवादी के 10-10 बार आने के बावजूद भी उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। आज गुरुवार को जिला मुख्यालय स्थित अटल सेवा केंद्र में आयोजित जनसुनवाई की ग्राउंड रिपोर्ट लेने के लिए जब हमारी टीम मौके पर पहुंची, तो ऐसे परिवादी मिले जिनकी चप्पलें इस प्रकार की जनसुनवाईयों में घिस गई, लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। नाम है आपका, कहाँ से आए? मेरा नाम गीता है और मोती नगर आगोर से है। क्या समस्या है? पानी की समस्या है। की समस्या आवे पानी में? सब जगह लाइन बिछी हुई है, हमारे 2-3 गलियों में लाइन नहीं बिछावे सरपंच। कई ग्राम पंचायत लगे? ग्राम पंचायत आगोराली लगे। सरपंच की नाम है? सवाई सिंह जी। ओके, सरपंच की क्या थाना? सरपंच तो 2 साल हो गया, गोता खावा बन सरपंच नहीं, वो लाइन बिछा। सरपंच तो कह रहा है पाइप पड़िया है, हाँ लाइन बिछा दे। एनओसी भी दिलवा दी, 2 साल गोता खाकर साफ कर लू, लिखित में सब कुछ कागज वगैरह तैयार है और सब जगह लाइन बिछा रही, और मान 2 गली में लाइन नहीं बिछा रहा सरपंच। तो बाप करे और काम तो नाथू सिंह जी करे, सरपंच सवाई सिंह जी पापा। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हो? रमेश कुमार है, गुड़ा मलानी तहसील से आया हूँ। जनसुनवाई में कितनी बार आए हो? ये 10वीं बार आया हूँ। क्या समस्या है आपकी? ये रोड के बारे में थी, अनियमित जांच की मांग को लेकर थी, जो इसमें अनियमित शुरुआत से ही बरती गई थी, और अभी 11 माह में मात्र ये रोड बह गई है पहली बारिश में, और 3 साल की टाइम पीरियड अवधि में बनी है। ठेकेदार कौन था? सर्वर कंस्ट्रक्शन कंपनी भुवार, के कारण ये रोड और ठेकेदार की मिली भगत के कारण बनी है। कलेक्ट्रेट से लेकर तहसील स्तर तक भटक रहा हूँ, कोई न्याय नहीं और कोई नहीं सुन रहा है। ओनली फॉर ये कॉपियाँ लेके वापस छोड़ देते हैं, हो जाएगी कार्रवाई, क्या होगी? ना तो उसका पैचिंग कार्य किया अभी तक और ना ही उस मुर्डे की पटरी की है। आए दिन तक जो की त्यों और लाखों रुपए डकार गए हैं ठेकेदार और सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरवंश सिंह राजपुरोहित है, मैं लक्ष्मी नगर वार्ड नंबर 34 में रहता हूँ। हमारे यहाँ ये जो सिविल लाइन खुदी हुई है वो गली पूरी छोड़ दी, आकाशवाणी से लेकर ये जो 30 फुट की बड़ी मेन गली है उसमें उन्होंने सिविल लाइन नहीं खोदी है, और यहाँ पानी का लेवल ऊपर आ गया है, गटर हर 15 दिन में भर जाते हैं, और ये सेफ्टी टैंक खाली करने के लिए कम से कम हमें 4,000 रुपया देने पड़ते हैं, और महीने के 8,000 रुपया हमारा पेट पाड़ा है या ये खाली कराने में रहे। और उधर सरकार प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी कहते हैं हम स्वच्छ भारत का अभियान चला रहे हैं, कोई भी खुले में शौच नहीं जाना चाहिए, जबकि बाड़मेर शहर में हमारे गली में लोग मजबूरन खुले में शौच करने के लिए उनको मजबूरी जाना पड़ता है। आप कितनी बार आए? मैं यहाँ 3 बार आया हूँ, और RUDP के जो बिश्नोई जी है पहले पुरोहित जी थे, उनको कई बार मैं मिल चुका हूँ, उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम जनसुनवाई में हम चौथी बार आ रहा हूँ मैं। कभी समस्या का समाधान अभी तक कुछ नहीं हुआ, नहीं किसी अधिकारी ने किया है। हाँ सर, नाम क्या है आपका? मेरा नाम जगवाल सिंह है। कहाँ के रहने वाले? मैं लंगेरा के निवासी हूँ सर। मैं जनसुनवाई में 10 बार आ चुका हूँ। मेरा स्वास्थ्य भारत अभियान के मैंने गरीब होने के कारण मैं पेमेंट उधार पैसे लेकर शौचालय बनाया, उसके बावजूद 8 महीने हो गया मैं चक्कर काट रहा हूँ, मेरे को पेमेंट नहीं दे रहे, ठीक है, अधिकारी मनमानी कर रहे हैं, और कोई सुनवाई नहीं हो रही है, बस चक्कर के ऊपर चक्कर निकाल रहे, खाली फालतू की बातें करके रवाना कर देते हैं सर। और नाम क्या है? नाम क्या है आपका? सत्यदान सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? बलेरा के। यहाँ पे जनसुनवाई में कितनी बार आए आप? मैं 10-12 बार। क्या कौन सी समस्या क्या है आपकी? समस्या ये है कि हमारे जो ये नदी कटान नाला है उसके अंदर लोगों ने मकान बना दिया, और अवधि बाड़ा बना दिया, बाउंड्री बना दिया, हटा नहीं रहे, काम डूब रहा है। अधिकारी आपको क्या करे? अधिकारी कोई आया ही नहीं, मैं 12 बार आया हूँ ये सीधे। आपके कर देंगे, आता कोई नहीं है, ना पटवारी आया, ना हराई आया, ना तहसीलदार आया, कोई नहीं। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए? मेरा नाम खेत सिंह है, लक्ष्मी नगर बाड़मेर से आया हूँ।
क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है कि मैंने 9 मई को मुकदमा दर्ज कराया था कोतवाली डिपार्टमेंट में, सीआर नंबर है 174, उसकी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बाड़मेर के जितने भी अधिकारी है सबसे मिल चुका हूँ, अगर सिर्फ आश्वासन मिल रहा है, और जो मुलजिम है उसके रिश्तेदार सब पुलिस में है, इसलिए वो कोई कार्रवाई नहीं करने दे रहे हैं। उसके पिताजी खुद भी ASI है। बाड़मेर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।